हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव मैपिंग बोले थे, और इन टू फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो हम लोग डिफाइन किए गए हैं, फंक्शन ए टू बी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए, जितना भी एलिमेंट है सेट बी में, आर इमेज ऑफ सब एलिमेंट इन सेट ए, मतलब सारा इमेज आ जाए। मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि देखिए इसका कोडोमेन क्या है, पूरा बी है, इसका रेंज भी क्या है, ये पूरा है, इस केस में भी इसका कोडोमेन क्या है, ये पूरा है, और यही इसका रेंज है। मतलब हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं कि उसका जो कोडोमेन है वो उसके रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन क्या हो, रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। जितना भी इमेज आ रहा है सारा इमेज आ जा रहा है, मतलब जितना भी कोडोमेन था सब इमेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल द एलिमेंट इन सेट बी आर इमेज ऑफ सब एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए का जितना एलिमेंट है सबका सब इमेज है सेट बी, मतलब सेट बी में जितना भी एलिमेंट है सब इमेज है, कोई छूटा नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे दो एग्जांपल इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि जब वन से, पहला तो ये वन टू फंक्शन हो गया, लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि यदि वन से वन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। तो देखिए ये हो गया हम लोग के पास वन वन, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। ठीक है, जब मेनी टू वन रहेगा, मेनी टू वन, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है वो है मेनी वन ऑन टू फंक्शन, और ये जो है वो वन वन ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह इनटू फंक्शन के बारे में यदि हम लोग देखें तो इनटू फंक्शन क्या है, द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है, पहला बात, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसमें कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। इन सच फंक्शन एटलीस्ट वन एलिमेंट, इस तरह का कोई भी फंक्शन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन इज नॉट द, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, कोई एक भी एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट छूट जाए, मतलब एक एलिमेंट इमेज के रूप में ना आए। जैसे यहां पे हम लोग एग्जांपल लिए, इसमें एक एलिमेंट इमेज के रूप में नहीं आया है, इस केस में रेंज इतना ही है लेकिन कोडोमेन जो है वो पूरा है। उसी तरह इस केस में यदि हम लोग देखें तो ये हम लोग का रेंज है, ये दो एलिमेंट छूट चुका है यहाँ पे, तो ये कम से कम एक एलिमेंट का बात कर रहा है। और तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो दोनों फंक्शन है वो किसका, किस तरह का फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो लेकिन हम लोग वन वन और मेनी वन के केस में भी देख सकते हैं, तो देखिए ये वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, तो ये जो फंक्शन है वो वन टू वन फंक्शन भी हो गया और इनटू फंक्शन भी हो गया। और ये जो फंक्शन है वो देखिए मेनी टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू वन, तो ये इनटू भी है और मेनी वन फंक्शन भी है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना हम लोगों कि ये मेनी वन भी है और इनटू फंक्शन भी है। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये वन वन है और ऑन टू फंक्शन है, मतलब वन वन एंड ऑन टू जो हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल इन्वर्स में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का ऑन टू और इनटू फंक्शन। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, अब कुछ सवाल देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग के पास एक सवाल दिया गया देखिए एक सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास एक सवाल दिया, फंक्शन माइनस वन टू वन, नहीं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इधर जो है वो माइनस वन से वन लिए, और जो फंक्शन दिया गया हम लोग के पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया गया। ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जैसे देखिए सबसे पहले साइन एक्स का आप ग्राफ देखिएगा, तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपना डोमेन, अपना डोमेन में क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये हम लोग का, ये ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने सीखिए, ये हम लोग का डोमेन है और ये हम लोग का क्या है, कोडोमेन है। यदि ये पढ़ने आ गया तो सवाल आधा बन गया। अब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको हम लोग ग्राफ से ही देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का बनेगा हम लोग के पास, इस तरह का आगे। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला है, डोमेन जो है माइनस पाई टू से पाई टू, पूरा डोमेन रियल नंबर नहीं लेना हम लोग को, ये एक्स एक्सिस हो गया हम लोग का, ये वाई एक्सिस हो गया हम लोग का, इसको कहाँ से कहाँ तक लेना है, सिर्फ माइनस पाई टू से पाई टू तक।
तो देखिए जी, यदि सिर्फ माइनस पाई बाई टू से तो पाई बाई टू तक लेंगे, तो ये हम लोग का पाई बाई टू और ये हम लोग का माइनस पाई बाई टू, मतलब इसके बाद हम लोग को ग्राफ लेना ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह इसके बाद हम लोग को ग्राफ लेना ही नहीं है, इसके बाद ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ग्राफ जो हम लोग का वो सिंपली इसके यहीं तक होगी हम लोग का, ठीक है। ये जो ग्राफ है इसके बाद का कोई मतलब ही नहीं है, तो ग्राफ जो है वो सिंपली यहाँ तक होगी हम लोग का, फाइव बाई टू से माइनस फाइव बाई टू। और देखिए अब जो को डोमेन दिया वो माइनस वन से बन दिया, तो को डोमेन, अब रेंज देखिए फाइव बाई टू पे कितना होता है साइन, साइन फाइव बाई टू कितना होता है वन, माइनस फाइव बाई टू पे कितना आएगा साइन माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन है वो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू, को डोमेन दिया हो माइनस वन से वन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हर एक्स के लिए एक ही वैल्यू आएगा हम लोग के पास, कहीं पे भी दो वैल्यू आएगा नहीं, हर एक्स के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। मतलब ये जो फंक्शन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं तो दो पॉइंट पे कट नहीं करेगा। तो ये पहला फंक्शन जो हो गया ये वन वन हो गया, ठीक है, पहला तो पता चल गया कि ये वन वन फंक्शन हो गया। अब दूसरा क्या देखना हम लोग को, कोडोमेन रेंज के बराबर है कि नहीं। तो देखिए रेंज कहाँ तक इसका, माइनस वन से वन तक, मतलब ये पूरा वैल्यू ले रहा है माइनस वन से वन तक। तो ये पूरा यदि वैल्यू ले रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इस केस में कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब कोडोमेन यदि रेंज के बराबर हो जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन भी बोलेंगे हम लोग, मतलब ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, और वन 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 टू दोनों है यदि है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, और बाइजेक्टिव है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट हो गया, देखिए कितना सिंपल सवाल था, हम लोग सिर्फ ग्राफ से भी ड्रॉ करना था, तुरंत बन गया हम लोग का, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस क्या है हम लोग के पास, देखिए यहाँ पे माइनस वन से वन कर दिया गया है डोमेन में, और को डोमेन में माइनस वन से वन दोनों, और फंक्शन जो है वो कर दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। अब देखिए साइन टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोग के पास साइन एक्स का ग्राफ था, हम लोग को पता था साइन एक्स का ग्राफ, ये हम लोग का पाई बाई टू था, ये जीरो था, ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई। देखिए साइन टू एक्स होने से क्या अंतर होगा ग्राफ में, पहले जो साइन एक्स था हम लोग का, ठीक है, पहले हम लोग का जो वैल्यू आता था वन का वो पाई बाई टू रखने पे आता था, लेकिन अब कब आ जाएगा वन, पाई बाई फोर रखने पे ही आ जाएगा हम लोग का। मतलब अब जो ग्राफ है साइन टू एक्स का वो ग्राफ इस तरह बन जाएगा, ग्राफ तो सेम रहेगा सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग का आता था ये वन वैल्यू आता था पहले कितना पे, पाई बाई टू पे, लेकिन अब कितना पे आने लगेगा, पाई बाई फोर पे आने लगेगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का पाई बाई टू, पहले जो पाई था वो क्या बन जाएगा पाई बाई टू। उसी तरह यदि हम लोग यहाँ देखें तो ये पहले क्या था माइनस पाई बाई टू, ये क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई फोर, ये क्या बन जाएगा हम लोग का माइनस पाई बाई टू। अब ये वैल्यू हो गया वन, ये जो वैल्यू है वो हो गया हम लोग का माइनस वन, ठीक है, वन वन माइनस वन हो गया यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले ये तो दिख गया होगा कि हम लोग को कहाँ तक लेना है डोमेन, माइनस वन से वन। तो आपको याद होगा पाई जो होता है वो 3.14 होता है, मतलब पाई बाई टू जो होगा वो कितना होगा 1.57 करीब होगा, पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.57। तो ये कहाँ तक जाने बोला, माइनस वन से वन, मतलब ये जो है वो है 1.57, मतलब यहाँ कहीं हम रुक जाएंगे, यहाँ कहीं वन हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये पाई बाई टू है तो पाई बाई टू 1.57 होगा, तो यहाँ कहीं वन होगा हम लोग का। उसी तरह यहाँ कहीं हम लोग का माइनस वन होगा, तो 1 से माइनस वन यहाँ तक रुक जाएंगे, मतलब इसके बाद हम लोग के पास ग्राफ नहीं है, इसके बाद ग्राफ नहीं है, ग्राफ को हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके बाद ग्राफ हम लोग का नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो क्या चेंजेस हो रहा है, तो देखिए सबसे पहला क्या बताए थे कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक एक्स पे दो वैल्यू मिल जा रहा हम लोग, मतलब दो एक्स पे एक वैल्यू मिल जा रहा, सेम वैल्यू मिल जा रहा हम लोग को। देखिए इस को हम लोग यदि x1 बोलते हैं, इसको x2 बोल देते हैं, तो सेम वैल्यू मिल जा रहा हम लोग को। तो सबसे पहला हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मेनी वन, ठीक है, पहला क्या हो गया हम लोग का मेनी वन। देखिए ग्राफ इस तरह दिख रहा है इसलिए इसको मिटा दीजिए तो अच्छे से दिखेगा आपको कि एक्चुअली में ग्राफ कहाँ तक था हम लोग का, वन तक ही था, ठीक है। अब देखिए इसको, ये वन तक था हम लोग के पास, तो और ये माइनस वन तक था,
तो कहीं पे भी यदि हम हॉरिजॉन्टल, ये हम लोग का मेन एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो अब एक ही एक्स मतलब एक ही वैल्यू मिल रहा है हम लोग को अलग अलग एक्स पे, मतलब ये कैसा फंक्शन है, मिनी वन फंक्शन हो गया, माइनस वन से वन के बीच में। कोर डोमेन यदि हम लोग देखें तो देखिए इसका कोर डोमेन देखिए यहाँ से कहाँ तक है, इसका मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है वन, तो कोर डोमेन और रेंज तो बराबर है, तो कोर डोमेन और रेंज यदि बराबर है तो इसको हम लोग कैसा फंक्शन बोलेंगे, वन टू फंक्शन बोलेंगे। तो ये मिनी वन फंक्शन हो गया और वन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कुछ और। तो एक क्वेश्चन दिया गया हम लोग के पास, फंक्शन आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हम लोग का एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। ये क्वेश्चन दिया गया हम लोग के पास, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कि ये किस तरह का फंक्शन है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देखे थे कि यदि कोई भी ग्राफ यदि इंक्रीजिंग हो, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूअस ग्राफ यदि हो तो ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रख दीजिए, यदि एफ डैश एक्स मेरा डिफ्रेंशिएशन करने पे हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे उस फंक्शन को इंक्रीजिंग, और यदि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाता है हम लोग के पास तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग। यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पे होल्ड कर सकता है, तो उस पर हम लोग को क्या मानना है, एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पे पहले हम वन वन चेक करने के लिए एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स होगी हम लोग के पास एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का टू टू जब फोर फोर एक्स प्लस फाइव, ये होगी हम लोग का एफ डैश एक्स। तो देखिए ये एफ डैश एक्स आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं, तो डी जो होगा वो कितना होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फाइव, तो यहाँ पे हो गया सिक्सटीन माइनस सिक्सटी, मतलब माइनस में आएगा, मतलब डी क्या आ गया हम लोग के पास लेस देन जीरो, डी यदि लेस देन जीरो आ गया मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, कभी भी ये इसको टच करेगा नहीं, मतलब ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है एफ डैश एक्स, हमेशा क्या होगा यदि डी लेस देन जीरो तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ से आ गया हम लोग का एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है हम लोग का इंक्रीजिंग, और फंक्शन यदि इंक्रीजिंग हो गया मतलब उसको वो कैसा फंक्शन हो गया, वन वन। तो पहला तो पता चल गया कि ये किस तरह का फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब देखना हम लोग को ऑन टू है या फिर इनटू, तो ऑन टू और इनटू के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोर डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो देखिए रेंज जो ये है हम लोग का डोमेन और ये हम लोग का कोर डोमेन, ठीक है, ये हम लोग का डोमेन और ये हम लोग का कोर डोमेन। तो देखिए कोर डोमेन क्या है, यहाँ पे रियल नंबर। अब यदि यहाँ पे देखिएगा रेंज के बारे में, तो x का हम यहाँ पे सारा वैल्यू ले सकते हैं, x रियल नंबर है, तो यहाँ पे किसी भी वैल्यू के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग डोमेन का वैल्यू रियल नंबर लेते हैं तो रेंज भी हमको क्या मिल जाएगा, रियल नंबर ही मिल जाएगा, मतलब रेंज भी होगी हम लोग का रियल नंबर, तो रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब को डोमेन और रेंज बराबर हो गए, तो यह कैसा फंक्शन हो गया हम लोग का, वन वन एंड वन टू फंक्शन, वन 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 टू मतलब बाइजेक्टिव हो गए, और बाइजेक्टिव मतलब ये इन्वर्टिबल भी हो गया, ठीक है। अब ये तो हम लोग ग्राफ से या फिर इस तरह देख सकते थे, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग मैपिंग से देखेंगे। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है इंटीजर से इंटीजर, या फिर यहाँ पे जेड भी लिखा हुआ रह सकता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, जेड को भी हम लोग इंटीजर ही डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये इंटीजर टू इंटीजर हो गया, तो डोमेन भी
और ये हो गया हम लोग का कोर डोमेन। अब इसमें हम लोग के पास एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहला इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, तो इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए इंटीजर वैल्यू पहला तो हम ग्राफ बना सकते हैं इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि इसका जो डोमेन है वो सिर्फ इंटीजर लेना है हम लोगों, मतलब इंटीजर सिर्फ वैल्यू लेंगे। जैसे कि हम x को 1 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स कितना आता है, तो भी 1 आएगा हम लोग के पास। x को माइनस 1 लेते हैं तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब यदि हम लोग इसका ग्राफ इस तरह मतलब मैपिंग के थ्रू देखेंगे, तो देखिए मैपिंग के थ्रू कैसे बनाते हैं, ए टू बी, ए में क्या लिखा हुआ इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर लिख दें। अब इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, यदि हम स्टार्टिंग देखें तो ऊपर होगा एकदम माइनस इन्फिनिटी से, इधर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, उसी तरह जीरो वन टू थ्री, इस तरह करके पूरा। ये भी इंटीजर है तो इसका भी जो होगा वो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, कुछ इधर ले लिया कुछ इधर ले लिया, ये इंटीजर टू इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जीरो पुट किए तो जीरो मिला, ठीक है, वन पुट किए तो भी वन, और माइनस वन पुट किया तो भी माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए ये दो से जुड़ा हुआ है, मतलब पहला ही चेक कर लिया हम लोग, मेनी टू वन जुड़ा हुआ है, क्या हो गया, तो पहला जो फंक्शन हो गया वो मेनी वन हो गया, ठीक है, ऐसे भी देख सकते थे हम लोग। तो पहला यहाँ से क्या हो गया मेनी वन। अब क्या चेक करना हम लोग को, ये वन टू है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग कोई भी वैल्यू चेक करके देख सकते हैं, मान लीजिए टू पुट करेंगे हम लोग, तो टू पुट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास, फोर, माइनस टू पुट करेंगे तो टू पुट करेंगे तो हम लोग के पास फोर, और माइनस टू पुट करेंगे तो भी फोर। तो देखिए टू और थ्री तो कभी आ नहीं पाएगा यहाँ पे हम लोग के पास, टू और थ्री वैल्यू कभी मिल नहीं पाएगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, डोमेन में इंटीजर ले रहे हैं, रूट टू लिए रहते तो आ सकता था, लेकिन रूट टू तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ इंटीजर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू नहीं आ पाएगा हम लोग के पास, मतलब ये जो कोर डोमेन है हम लोग का, वो कोडोमेन तो पूरा होगा हम लोग का, लेकिन रेंज जो होगा वो गिना चुना होगा। रेंज में सिर्फ क्या आएगा हम लोग के पास, कुछ वैल्यू आएगा, जैसे जीरो आएगा, वन आएगा, फोर आएगा, फिर नाइन आएगा। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुए, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन हो गया मेनी वन और इनटू का एग्जाम्पल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो ये फंक्शन एन टू एन एफ ऑफ एक्स दिया हम लोग पास टू एक्स प्लस थ्री, तो मतलब ये हम लोग के पास डोमेन है और ये हम लोग के पास कोडोमेन है। तो डोमेन हो गया नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी हो गया नेचुरल नंबर। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस थ्री दिया गया, तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस थ्री दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है ये वन वन या वन टू है या नहीं। तो देखिए यदि आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो ये जीरो कब हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये इसका ग्राफ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, जीरो रखने पर थ्री, इसका ग्राफ हो गया हम लोग पास एफ ऑफ एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस थ्री। तो पहला जो है वो तो ये पता चल गया ग्राफ से, हम लोग देख सकते हैं कि हर एक के वैल्यू एक ही वैल्यू आएगा, पहला तो वन वन बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग इस तरह देखेंगे, देखिए ये हो गया हम लोग के पास नेचुरल नंबर, इधर ये ए टू बी था, ठीक है, डोमेन में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग के पास वन से, वन टू थ्री फोर, इधर भी नेचुरल नंबर तो ये भी वन से स्टार्ट होगा, इस तरह का वैल्यू। तो ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यदि हम इसका वैल्यू वन पुट करते हैं, एक्स को पहले जीरो पुट किए, ठीक है, तो एक्स को जीरो पुट किया तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो हम ले ही नहीं सकते, डोमेन में नेचुरल नंबर दिया गया है तो जीरो हम ले ही नहीं सकते इसमें, तो जीरो होगा ही नहीं यहाँ पे। तो अब आगे यदि हम लोग देखते हैं तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, तो यदि हम वन पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स को वन पुट किए हम लोग, तो कितना आ जाएगा हम लोग का,
y का वैल्यू आ जाएगा 5, तो 1 पुट करने पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास 5। इसी तरह 2 पुट करते हैं हम लोग यदि, तो 2 पुट करने पे कितना आ जाएगा 7। 2 पुट करने पे वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास 7। तो देखिए हर एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास, तो पहला ये बोल सकते हैं एक से एक जुड़ा हुआ इसी तरह जुड़ते जाएगा। तो ये पहला जो हो गया वो तो हो गया 1 1, वो हम लोग ग्राफ से भी दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करना है, कोडोमेन और रेंज बराबर है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 तो कभी वैल्यू हो ही नहीं पाएगा इस केस में, क्योंकि हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब तो कभी 1 2 3 4 आ ही नहीं पाएगा, मतलब कोडोमेन और कभी रेंज बराबर हो ही नहीं पाएंगे। तो कोडोमेन, क्योंकि रेंज तो मिलना यहाँ से स्टार्ट हुआ हम लोग को 5 से, 1 2 3 4 आएगा ही नहीं, वो तो छूट गया। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन में क्या है, पूरा नेचुरल नंबर है हम लोग के पास, और रेंज में क्या है हम लोग के पास, कुछ वैल्यू सिर्फ आएगा, ये 1 2 3 4 छूट जाएगा, ये सब रेंज में नहीं आ पाएगा। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो ये हो गया हम लोग का 1 1 फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है। तो बस ये चारों जो टाइप था फंक्शन का ये कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि इसको हम लोग मतलब अच्छे से हम समझा पाएं। हमें धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यदि आपको समझ में आ रहा हो तो, और इसी तरह अगले चैप्टर में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक। धन्यवाद।